फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगी। ये हमने इसकी लंबाई 15 इंच तैयार रखनी है और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 17.5 इंच इसकी लंबाई हम लेंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा ब्लाउज में। और इसका जो हमने नेक बनाना है वो बैन वाला बनाना है, तो जो बैन नेक बनाते हैं उसमें 7.5 इसका हमने जो बैन नेक बनाना है इसके लिए हमें 7.5 इंच की ये तीरा लेंगे। अगर हमने नेक छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है ये उसके अकॉर्डिंग होता है तीरा हमारा। हमने अगर नेक डीप करना है बैक वाला तो हम तीरा 5.5 या फिर 6 नेक के हिसाब से लेंगे। तो हमने इसका बंद गला बनाना है इसके लिए 7.5 लेंगे। 7.5 हम यहाँ से लेंगे इसका सामना देखने के लिए, और जो इसका मोटा है वो हम 7.25 इंच लेंगे। अब हम इसकी जो चेस्ट है वो 36 इंच है, तो 9 इंच पर इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे और 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो हमारा ये टोटल 12 इंच हो गया है। हम जब कमर पे आएंगे तो वो 11.5 इंच लेंगे, आधा इंच कम में। इसको और इसको हम मिला देंगे, यहाँ से हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। अब ये प्लेट्स के निशान लगाएंगे। हमारी प्लेट की लंबाई है जो 10.5 इंच पर हमने लगानी है, ये लेंथ के हिसाब से होता है। जिसका ये ब्लाउज है उसकी लेंथ ज्यादा है, तो 10.5 इंच पर इसकी लंबाई ले दी और 3.5 इंच पर यहाँ से हम ये निशान लगाएंगे। 3.5 पे यहाँ से लेंगे और इसको मिला देंगे। इसके बाद जो ये प्लेट्स के निशान है मतलब एलडी और जो पतला होता है उसके हिसाब से होते हैं, तो 1.5 पर हमें ये इस साइड जो 3.5 इंच लिया था उसकी तरफ से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, 2.25 यहाँ से लगाएंगे। और इन दोनों का बीच ये सेंटर देख के एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 2 इंच का, ये क्रॉस कर देंगे। जैसे कि ये निशान एक बार हम स्ट्रेट कर लेते हैं, 1/2 इंच का यहाँ से झुकाव करेंगे जो फर्स्ट निशान होता है इसका, और जो ये निशान होता है इसको हमें इस निशान के अकॉर्डिंग मिलाते हैं। इस प्लेट्स का निशान यहाँ पे गया। अगर हमें फिर भी समझ ना आए तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारा ये मोड़ा होता है इसके अकॉर्डिंग हम 5 इंच पर या 5.5 इंच पर इसकी लंबाई लेते हैं। अगर ये हम अगर मिला के देखेंगे तो भी 5.5 इंच पर इसकी ये सीध जाएगी, और ये निशान होता है जो ये हम 6 इंच की लंबाई पर लेते हैं। इसके साथ ही इसको अटैच कर देंगे। ये हमारे प्लीट्स के निशान हो गए हैं। अब इसकी मैं कटिंग करूंगी। ये हमने फ्रंट हिस्सा काट लिया है। इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि हम जो तीरा लेते हैं वो हमेशा बंद कपड़े की तरफ ही लेना होता है। हम तीरा इस तरफ लेंगे तो हमारा जो कपड़ा है वो कम रह जाएगा, तो कोई भी अगर हम ब्लाउज कटिंग करते हैं तो वो बंद हिस्से की तरफ ही तीरा लेके काटते हैं। ये हम अब बैक हिस्सा काटेंगे। ये कुछ हिस्सा हम इसका बाहर निकाल देंगे जो फ्रंट वाला हिस्सा है, और जो बैक में से हिस्सा काटते हैं वो हम साइड से छोटा 1/2 इंच और साइड 1/2 इंच नीचे से कम काटते हैं। ये हमने 1/2 इंच बैक का हिस्सा नीचे से कम करना है और 1/2 इंच साइड से कम करना है बैक वाला हिस्सा। अब हम इसके पीछे के निशान लगाएंगे। जो हमने आगे की प्लेट 10.5 इंच पे लगाई थी लेंथ, तो पीछे वाली हम 10 इंच पे लेंगे, और ये गैप हमें 3.5 या 4 जितना मतलब हम ले सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, तो हम 4 इंच पर ये निशान लगाएंगे, 4 पे ये लगाएंगे। इसको आपस में मिला देंगे। ये हमारी बैक वाली प्लेट के निशान हो गए हैं। ये जो फ्रंट के प्लेट्स के निशान हैं इनको हम चौक के साथ पक्का करके एक दूसरे पर सेम निशान हमें लगाने होते हैं, तो इस तरह से हम सेम निशान दूसरे हिस्से पर भी लगा देंगे। ये हमने जो ब्लाउज का कपड़ा था वो बिछा लिया है। अब सेम जो अस्तर वाला पीस है उसको रख के हम सेम कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक का हिस्सा भी कट के रेडी हो गया है।
ये हमारा ब्लाउज कट के रेडी हो गया है। तो आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद। तो गाइज मुझे स्पॉर्च करना है, अगर आप स्पॉर्च करोगे तो मैं आगे और भी वीडियो डालूंगी।